हरियाणा में पूरी ताकत लगाने वाली है। एक जो मुद्दा आपने उठाया या चर्चा में आता है, आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर जो आता है, हरियाणा के लिए बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने जो सबसे बड़े जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अरुण कुमार, उनको लगा दिया है बीजेपी और आरएसएस के बीच में हरियाणा में कोऑर्डिनेशन के लिए। और महाराष्ट्र में उन्होंने अतुल लिमये, जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उनको लगाया है यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए। हरियाणा में भी जो संघ और बीजेपी है, वो आपने देखा कि अभी एक बहुत बड़े जो तथाकथित संत हैं, उनको जेल से पेरोल पर छोड़ा गया है। जी ये एक चीज है केवल। अभी कितने लोग छूटेंगे जेल से या छूट गए होंगे, हमको पता नहीं है। हरियाणा में बहुत ताकत लगी हुई है अंदर खाने की, जो जो चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे, कि उसमें विपक्ष के वोटों का बंटवारा, जिसमें एक बड़ी घटना जो आप अभी मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, और मुझे पता नहीं कि उस इंटरव्यू में आपने पूछा क्या कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले क्यों चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र में क्यों लड़ रही है। तो जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला हैं, वो क्या करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है वहां? हम लोग, ये जो अभी जो लग रहा है, वो तो ये लग रहा है कि कांग्रेस स्वीप कर सकती है वहां, करेगी, मान लीजिए करेगी। अभी जो कोशिश है वो ये कि डैमेज कम से कम हो। मतलब जैसे आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में दो तरह की खबरें हैं। एक तो आपने बीजेपी को 240 पे रोक दिया, वो तो ठीक है। 79 सीट्स, जिसके बारे में पराकाला प्रभाकर कह रहे हैं कि ये 79 सीट्स को लेकर कह रहे हैं कि ये सीटें चुरा ली गई इनसे, इंडिया अलायंस से छीन ली गई, जी द विक्ट्री वॉज स्टोलन जिसको कहते हैं, वो कह रहे हैं। ये जो 79 सीट्स लोकसभा की जो चुराई गई हैं, आप सोचिए कि विधानसभा में कितनी सीटें चुराई जा सकती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में प्रशासनिक स्तर पर क्या-क्या फेरबदल किया गया। मैंने आपको बताया कि सारे यादव और मुस्लिम हटा दिए हैं। जी आप हरियाणा के बारे में इस तरह का पता करिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता करिए कि वहां जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं या हो रहे हैं, हो चुके हैं, अब तो वहां कुछ होगा नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन हो गया, तो अब तो वहां ट्रांसफर तबादले वगैरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो एक जो खबर चलाई जा रही है कि वहां मुख्यमंत्री को भी पता नहीं था कि ये चुनाव घोषणा हो जाएगी, एक जो जिसको मैं यकीन नहीं कर रहा हूं कि ये जो खबर बोली जा रही है चैनलों की बहस में, कि मुख्यमंत्री को भी जानकारी नहीं थी और वो उनको लगा कि ये अचानक से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर हरियाणा के की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अंबाला साइड की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या जहां, या जाट बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या गुर्जर बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या जहां मिक्स पॉपुलेशन है, जहां किसी का डोमिनेशन नहीं है, जी या गुड़गांव में जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस की
का प्रभाव रहा है, या लोकसभा में जिन पांच जिन जगहों पर कांग्रेस ने सीटें जीती हैं, आप पता करिए, पता करवाइए कि पूरी की पूरी प्लेसमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसमेंट, वो चुनावी घोषणा के पहले पूरी की जा चुकी है। हम एक पब्लिक मूड का को अपने प्री पोल परसेप्शन में जगह दे रहे हैं। आपका जो मूल सवाल था पर्दे के पीछे जी, ये मैं उससे संबंधित चीजें कुछ कह रहा हूं कि ये हम जो कि पब्लिक मूड तो लोकसभा में भी ये था कि इस सरकार को जाना है, पर आपने देखा कि सरकार बन गई और वो दावे के साथ उन्होंने पिछले लाल किले के भाषण में कह दिया था कि मैं तीसरी बार आऊंगा। तो आपका जो अभी आपने कहा तैयारी को लेकर कि लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो दूध का जला छाछ को, वह सही है, क्योंकि इसमें स्टेक्स जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा हैं बनिस्बत मतलब इंडिया अलायंस के, इंडिया अलायंस के लिए डेमोक्रेसी को लेकर है, पर बीजेपी के लिए धार्मिक राष्ट्रवाद को लेकर या हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर या संविधान को बदलने को लेकर है। हम अक्सर जो मतलब आमतौर से जो होता है, मैं भी गलतियां करता हूं कि हमको हम कई बार हमको लगता है अरे यार इनका तो सब सफाया होने वाला है। हम मध्य प्रदेश में गिन रहे थे 15 सीटें विपक्ष के लिए और पब्लिक परसेप्शन में भी थी और सीटें गिनाई जा रही थी जी। एक भी सीट नहीं मिली। हम छत्तीसगढ़ में भी गिना रहे थे, वहां एक सीट बड़ी मुश्किल से मिली कोरबा की, वो भी परंपरागत तरीके से वो चरणदास महंत की बीबी जीतती रही है। वो जीत कई बार राजीव जी कुछ चीजें ऐसी हमको थोड़ा सा परसेप्शनली हम जो सोचते हैं वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब मैं ऐसा उसको जी। तो मैं डैमेज मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डैमेज कम से कम हो ये कोशिश है कि चुनाव के बाद कोई चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार मिल जाए सरकारें बनाने के लिए हरियाणा में, वो है कोशिश। और महाराष्ट्र में अजीत पवार विल बी आउट, ऑलमोस्ट आउट, क्योंकि आरएसएस ने इसी शर्त पर वहाँ कोऑर्डिनेट करने का तय किया है कि भाई हम आपके साथ, हमारी शर्त ही है जी, अगर खबरें सही है तो वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मतलब स्ट्रेटेजिक हो सकता है, वो भी आप समझ लीजिए कि अजीत पवार से कहा गया हो कि आपको हम सुपरफिशियली ये कह रहे हैं कि आप नहीं है हमारे साथ, और अजीत पवार ने घोषणा कर दी कि वो सभी जगह अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार सब जगह खड़े कर रहे हैं, उनके फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, आम आदमी पार्टी खड़े करने वाली है उनके फाइनेंसेस कहाँ आएंगे, राज ठाकरे खड़े करने वाले हैं कई जगह से, उनके फाइनेंसेस कौन ऑर्गेनाइज करेगा, और एकनाथ शिंदे और फडणवीस ये मतलब अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए जो काम करेंगे, तो इंडिया अलायंस की और जो फाइनेंसेस हैं जो कि बॉम्बे में या महाराष्ट्र में बीजेपी को अवेलेबल हैं, वो जो बड़ी बात है। तो हम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि पब्लिक मूड है कि इनको जाना है,
जो खबरें हैं, जो मेरी बातें होती है वहाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। 30-35 सीट भी मिल जाए बीजेपी को तो बड़ी बात। तो ये 30-35 मिल जाए, ये तो बहुत ही चमत्कार हो जाएगा। महाराष्ट्र में 30-35 सीट ही मिले वहाँ, जितनी सीटें हैं उसमें। पर मेहनत, जो मेहनत के अलावा जो एक चुनौती है, जो पर्दे के पीछे वाली जी, जो आप कह रहे हैं, उसको कैसे काउंटर करना। और निश्चित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि हम बुद्धिमान केवल हम ही नहीं है, क्योंकि वो भी समझते हैं, जो चुनाव इंडिया अलायंस के लोग जो कर रहे हैं वो भी। पर चूंकि हम पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम अपना नजरिया रख रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस के लोग काम कर रहे हैं, वो पब्लिक से इंटरेक्ट इस तरह नहीं करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा एक अपने लिबर्टी लेके एक पक्ष रख रहे हैं। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मार्जिनली सही भी हो सकता है, मार्जिनली गलत भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है आने वाले समय में, बहुत कुछ हम लोग इस पर और बातें करेंगे, बहुत विश्लेषण टिप्पणियां होंगी। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।